आज हम लोग एक थियरम करने वाले हैं जिसके टोटल पांच कह सकते हैं कि हमको प्रूफ देने हैं, पांच पॉइंट्स है जो हमको प्रूफ करना है. सो बेसिकली इट इज अ थियरम, ओके, एंड इम्पोर्टेंट थियरम. इसमें से कोई भी प्रूफ आपको पूछ सकते हैं. सो इट विल बी एन इम्पोर्टेंट, मार्क कर देना इसको. इसमें लिखिए इफ 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 एस एन टी इफ एस एन टी आर सबसेट इफ एस एन टी आर द सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस इफ एस एन टी आर द सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस v of f of the vector space v of f then you have to prove five things. Then number one, s is a subset of lt implies ls is also subset of lt. Second s is a subset of t implies ls is a subset of lt. Third, s is a subspace of v implies ls is equal to s. Fourth, ls union t is equal to ls plus lt. And fifth, l of ls is equal to ls. And fifth is l of ls is equal to ls. So in it, ye actually mein panch alag alag theorem hai. लेकिन हम लोग इसको एक ही साथ, इसकी एक तरह की प्रॉपर्टीज है, इसको एक ही साथ हम लोग प्रूव करने वाले हैं. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फाइव थियरम्स, फाइव डिफरेंट थियरम्स. ओके, सम ऑफ देम विल बी इजी, सम ऑफ देम यू नीड टू जस्ट राइट इट एंड रिवाइज इट सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, सो सम थियरम आर मोस्ट वी कैन से लाइक द थियरम टू. It is asked most of the times. Theorem 1 is also asked most of the times. So some are the common theorems, and कुछ ऐसे theorems हैं जो easy भी बहुत हैं. Okay, so question लिख लीजिए, बाद में हम लोग एक-एक करके इसका proof करते हैं. Done, sir. Okay. So, अब प्रूफ ले लेते हैं पहला. सो प्रूफ, पहला स्टेटमेंट क्या है बताइए. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज s is s l of t implies ls lt is a subset of lt. ओके, अब ये ls का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ls means what? लीनियर स्पान. एग्जैक्टली, इट इज द लीनियर स्पान. अगर s lt का सबसेट है तो लीनियर स्पान जो होगा वो lt का सबसेट होगा, हमको ये बताना है. ओके, लीनियर स्पान का मतलब ये होता है कि s के एलिमेंट्स का जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ls के एलिमेंट होगा. ये हम लोग करेंगे तब आपको मैं बताता रहूंगा. तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं. तो सबसे पहले लेट, ओके, लेट हम लोग एलिमेंट सपोज करते हैं. लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n. अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n बिलोंग्स टू द सेट s. ये मैं सेट s में लिख लेता हूं. दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि सेट s के अंदर कैसे एलिमेंट है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अप टू अल्फा n, ऐसे एलिमेंट मेरे सेट s में दिए हुए हैं. नाउ हियर क्लियरली एक चीज तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा n ये lt में भी हो गए. ओके, ये lt में भी हो गए. अगर ये s में है, ये जो एलिमेंट्स है अल्फा n तक s में है, तो ये एलिमेंट्स जो है वो lt में भी हो गए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इट इज गिवन टू यू. ये देखिए, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि s जो है वो क्या है, lt का सबसेट है.
मतलब एस के सारे एलिमेंट कहाँ पे होने चाहिए, एलटी में होने चाहिए। तो अगर ये सारे के सारे एलिमेंट एस के मेंबर है तो बट ऑब्वियस है ये मेंबर किसके भी हो गए, एलटी के भी मेंबर हो गए बिकॉज ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ एलटी। ओके, ये क्लियर हो गया सबको, क्योंकि ये एस के एलिमेंट है तो एलटी के भी मेंबर हो गए, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ले लिया। नाउ अब आपको क्या करना है, ये क्लियर हो गया सबको, इतना क्लियर हो गया क्या लिखा हुआ है मैंने, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनी डाउट्स, यस और नो? नो सर। ओके, अब आपको नो सर। गुड, ओके, अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहां से ls से एक एलिमेंट लेना है। ओके, यू विल टेक वन एलिमेंट ऑफ फ्रॉम ls एंड उसको प्रूव कर दोगे कि वो lt का भी मेंबर है तो सबसेट हो जाएगा। सो जस्ट हमको यही करना है। ओके, सो फॉर दैट लिखिए नाउ अब ls यानी लीनियर स्पान। अब लीनियर स्पान में एलिमेंट कैसे हो गए, लीनियर स्पान में अगर ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन एस में है तो लीनियर स्पान में कैसे एलिमेंट्स हो गए, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन यानी ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू ऐसे मेंबर्स हो गए। ओके, करते करते कहां तक, ए एन अल्फा एन। ओके, वेर ऑल ए आई बिलोंग्स टू द फील्ड एफ। ओके, तो लीनियर स्पान में कुछ हमको ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, एल एस में कुछ ऐसे एलिमेंट हमको मिलेंगे जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, एस का, क्योंकि ये एल एस है, इट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस। ओके, सो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि एल एस में से हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट लेट फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू एल एस, मैं एक एस एल एस में से एक अल्फा चूज कर रहा हूँ। ओके, देन बाय द डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ एल एस, एल एस की डेफिनेशन क्या है कि एल एस के अंदर ऐसे एलिमेंट दिखाई देंगे और मैंने एक अल्फा चूज किया हुआ है, मतलब मेरा जो अल्फा होगा उसका भी रिप्रेजेंटेशन मैं कुछ कॉम्बिनेशन के साथ कर पाऊंगा, ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन। ओके, ये मैं कह सकता हूँ मैंने एक अल्फा चूज किया, लेकिन एल एस क्या है, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स प्रेजेंट इन द एस, तो अल्फा जो मेरे को मिलेगा जो एल एस का मेंबर है वो भी क्या मिलेगा मुझे, एक लीनियर कॉम्बिनेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन में मेरे को मिलेगा फॉर ए आई बिलोंग्स टू द फील्ड। ओके, बट ऑब्वियस है ए आई क्या होना चाहिए, फील्ड का मेंबर होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, कोई डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट्स? नो सर। ओके ओके, सो हियर लिखिए आप लोग, हियर हियर we know that alpha 1 alpha 2 up to alpha n ये कहाँ पे है, ये lt का member है, ये अभी हम लोगों ने लिखा क्योंकि s का member है, तो ये कहाँ का member है, lt का भी member है। अब ये lt है क्या, what do you mean by lt, lt is also a subspace of a vector space। okay, lt क्या है, एक subspace है। okay, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन, ये भी कहाँ पे होगा, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू एल टी। ओके, रीजन यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ कि एल टी इज अ सबस्पेस। ओके, लिख लीजिए ये एल टी क्या है, सबस्पेस है। अब सबस्पेस में क्या होता है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन उसके मेंबर होते हैं। ओके, एल टी मतलब लीनियर, ये एक सबस्पेस है, सबस्पेस मतलब ये भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को साबित करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस देखा था कि दो अलग अलग वेक्टर्स ले लो आप, अल्फा और बीटा। ओके, तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा करोगे तो वो भी आपको वेक्टर स्पेस में दिखाई देगा, एक आप स्केलर लो ए और एक आप वेक्टर लो अल्फा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, वेक्टर स्पेस में मिलेगा। तो यहाँ पे एल टी जो है वो एक सबस्पेस है, क्या है एल टी, इट इज द सबस्पेस, मतलब आपने जितने भी वेक्टर्स लिए हुए हैं उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके उसका एडिशन में कर दो तो वो भी मुझे क्या मिलाएगा, वो भी मुझे एल टी में ही मिलेगा, बिकॉज इट इज द सबस्पेस। सबस्पेस का मतलब ये होता है इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर स्पेस। ओके, वेक्टर स्पेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि दो वेक्टर ले लो उसका एडिशन भी वेक्टर मिलेगा, यानी वही वेक्टर स्पेस में मिलेगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी वो सेटिस्फाई करेगा। तो उसी तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट का आप एडिशन कर दोगे, यानी एक तरह से आप लीनियर कॉम्बिनेशन कर दोगे, तो वो भी मेंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, एलटी के अंदर ही मिल पाएगा।
ओके अब ये जो है a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n ये तो क्या हो गया आपका अल्फा हो गया सो यहाँ पे आप क्या लिख पाओगे देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू lt लिख पाओगे ओके अल्फा बिलोंग्स टू lt लिख पाओगे ओके सो यहाँ पे ये लिख लो पहले बाद में मैं आगे डिस्कस करता हूँ ये पहले लिख लो Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. Done, sir. Done, sir. ठीक है, ठीक. Okay, done. So यहाँ पे हम लोग क्या लेके चले थे समझिए हम लोग लेके चले थे कि अल्फा जो है आप लोगों ने लास्ट में क्या लिखा अल्फा बिलोंग्स टू एल टी एंड लास्ट में लिखिए therefore alpha belongs to ls implies alpha belongs to lt okay yani jo alpha ls mein hai to wo alpha lt mein bhi hoga hi iska matlab ye ho gaya therefore what we can say that ls is subset of lt ls jo hoga wo subset hoga lt ka okay hence proof ye aapka pehla part jo hai wo prove ho chuka hai ओके समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से हम लोगों ने प्रूव किया मैं वापस से इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं ताकि आपको समझ में इजीली पड़ जाए इंपॉर्टेंट है इसलिए मेरे को ये देना पड़ेगा तो आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा सर समझ नहीं आया थोड़ा हां ओके बाकी बताना कोई प्रॉब्लम है किसी को समझ नहीं आया ऐसा है ठीक है ओके सो यहां पे हमको क्या दिया हुआ है पहले उस पे फोकस कीजिए हमको ये दिया हुआ है कि S is a subset of LT. S is a subset of LT. ये आपको दिया हुआ है. Implies मतलब ये आपको प्रूव करना है कि LS जो है वो क्या होगा? It will be the subset of LT. ये आपको प्रूव करना है. ये आपको गिवन है. This is given to you and this is to prove. ये आपको प्रूव करना है. ओके? तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए. अब यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोगों ने एक एस एक जो क्या बोलते हैं कि एक हम लोगों ने वेक्टर स्पेस जो है वो हम लोगों ने सपोज किया एक सबसेट उसका सपोज किया कि S के अंदर कितने एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n ये जो वेक्टर्स है इसका हम लोगों ने एक सेट ले लिया लेट इट बी सेट S ओके तो सबसे पहले यहां पे मैं जा रहा हूं S को मैंने डिफाइन कर दिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n अब ये जो सेट S है वो LT के अंदर है यानी इसके सारे एलिमेंट LT के अंदर है इसका मतलब तो ये हो गया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन ये सारे के सारे भी किसके अंदर होंगे इट विल बी आल्सो इन द एलिमेंट्स ऑफ एलटी ये भी सारे के सारे किसके अंदर होंगे एलटी के अंदर होंगे ओके यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अगर ये सेट के फॉर्मेशन में ना लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इट बिलोंग्स टू एलटी ये लिख सकता हूं ये एक चीज हो गई अब इसको भूल जाओ ओके ये एक चीज कर ली आपने ये गिवन की बात कर ली हो गई ये चीज काम खत्म अब यहां पे हम लोग चालू करते हैं हमको टू प्रूव क्या करना है ls is a subset of lt बताना है मतलब ls में से मैं एक एलिमेंट लूंगा ls के अंदर से मैं एक एलिमेंट लूंगा और वो बता दूंगा कि वो एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी lt में मौजूद है तो ये प्रूव हो जाएगा ओके तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे एक अल्फा ले रहा हूं मैं जो कहां का है एलिमेंट ls का एलिमेंट है अब ls में एलिमेंट कैसे होगे पहले वो सब समझ लो तो ls यानी कि लीनियर स्पान मतलब कि ये s के सारे एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा मतलब a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 ऐसे करते करते आप an अल्फा n तक लिख पाओगे ओके अब मैंने एक अल्फा लिया हुआ है तो वो भी इसी की तरह दिखाई देगा मतलब अल्फा कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ ls ये एक ls का मेंबर है और ls के मेंबर को आप किस तरह से लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो मतलब आपका जो अल्फा हो गया उसको भी आप कैसे लिख पाओगे इट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन राइट इतना समझ में आया सो अल्फा आपने ले लिया हुआ है ls में से क्लियर अब इसको भी साइड में रख दो ये पिक्चर को भी साइड में रख दो अब पहली वाली जो पिक्चर जो आधी चली हुई थी ये वाली दैट दिस एलिमेंट बिलोंग टू lt अब lt क्या है वो समझो तो lt एक सबस्पेस है सबस्पेस का मतलब ये होता है कि इस पे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो पाएगी और अगर इस पे वेक्टर स्पेस की अप्लाई हो पाएगी प्रॉपर्टीज तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन भी lt में आएंगे मतलब a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस करते करते an अल्फा n
ये भी एक मेंबर होगा एलटी का, लेकिन ये ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू ए एन अल्फा एन, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा। सो अल्फा कहाँ पे आ जाएगा, आपका एलटी में आ जाएगा। आपने अल्फा कहाँ पे लिया था, आपने अल्फा लिया था एलएस में, वो अल्फा आपको कहाँ पे मिला, एलटी में। Therefore, we have proved that LS is a subset of LT. Okay, ये आपका proof complete. Okay, so बताइए किसी को अभी भी problem है कुछ इसमें? विवेक खबर पड़ी कि अजीब ही नहीं खबर पड़ी? Yes sir, इतने खबर पड़ी। हाँ। Okay, so ये एक important theorem है, बार-बार आता है, तो please इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। Okay, next जो हमारा second जो part है, वो हम लोग देख लेते हैं। The second part is what the second part says to us, that if S is a subset of T, implies LS is also a subset of LT. Okay, कि अगर S जो है वो T का subset है, तो LS जो है वो LT का भी subset होगा, and it is very 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 much similar to the first part that we have completed. अभी अभी जो हम लोगों ने first part किया, खाली उसमें थोड़ी परिभाषा चेंज करने की जरूरत है, बाकी एज इट इज ही आपका ये जो स्टेटमेंट है, ये जो थ्योरम है, वो चलेगा। खाली आप समझो कि वहां पे टी की जगह पे क्या दिया हुआ था, जस्ट इट वाज गिवन एलटी ऑन द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट हम लोगों ने प्रूफ दिया था वहां पे टी की जगह पे एलटी था, बाकी सब सेम था। तो बस इसका यानी सिमिलरिटी बहुत सब है, यहाँ पे करते जाएगी तब आपको अपने आप ही पता चल पाएगा। प्रूफ चालू इसको इसी तरह से करना है, लिखेगी आप लोग लेट S is equal to, आप पहले S को define कर देंगे क्योंकि आपको चालू ही S से करना है। So S is equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha n. S आपका क्या हो जाएगा, alpha 1 से alpha n तक। Okay? So here आपको क्या दिया हुआ है, that S is a subset of T, and therefore क्या हो जाएगा आपका, ये जो set है alpha 1, alpha 2 up to alpha n, ये कहाँ पे डिफाइन हो जाएगा आपका, टी में डिफाइन हो जाएगा क्योंकि एस सबसेट ऑफ टी है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज आईई, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन, दैट बिलोंग्स टू द टी। ओके, दैट आल्सो बिलोंग्स टू टी। देन यहां तक पता चल गया सबको? ओके, इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट दे देते, लेट इट बी फर्स्ट पार्ट। एंड इफ S is equal to, अब देखो मैं ये LS का पार्ट अब ले रहा हूँ, S अगर मेरा है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, तो मेरा LS क्या होगा, what will be the linear span, so that will be a similar of the linear combination of all the vectors that we have assumed in S, so a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 करते 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 an alpha n, okay, where all ai belongs to the field F, okay, इससे सेम होगा, क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ लेट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट में यहाँ पे एल एस से लूंगा, लेट सेम उसी तरह से जाने, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, लेट एनी अल्फा बिलोंग्स टू एल एस, ओके, एनी अल्फा बिलोंग्स टू एल एस, देन बाय द डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ एल एस, देखो अब यहाँ पे क्या किया, एल एस के अंदर कैसे एलिमेंट है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे एलिमेंट है, और अगर आप एक एलिमेंट उसमें से चूज कर रहे हो, तो ये एलिमेंट किस तरह से दिखाई देगा, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन जैसा ही दिखाई देगा। ओके, सो अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री अप टू ए एन अल्फा एन। ओके, सो ये आपका अल्फा मिल गया आपको। ओके, नाउ व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, बट ओके, बट आपको ये पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में अधूरी कहानी जो है वो वहां से चालू करते हैं, हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, बट अल्फा वन ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, आपने लिया हुआ है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, ये अधूरी कहानी ले लेते हो आप इससे, अल्फा एन बिलोंग्स टू द टी, ये आपको कहाँ पे दिया हुआ है, टी, क्यों, किस तरह से हम लोगों ने टी पे लिया, क्योंकि एस जो था वो टी के अंदर था, तो एस के सारे एलिमेंट भी कहाँ पे आएंगे, टी के अंदर ही आएंगे। ओके, ये टी क्या है, इट इज अ सबसेट, इट इज नॉट अ सबस्पेस, ये आपको सबस्पेस नहीं दिया हुआ। ओके, आगे जो हम लोगों ने सपोज किया था, आप लोग देख सकते हो, तो एल एस जो था वो सबस्पेस था, एल टी जो था वो सबस्पेस था, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है, वेक्टर्स जो है, वो टी के अंदर है। ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये सबका कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लू, ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन,
ये किसके अंदर चला जाएगा, तो LT के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है वो T के मेंबर है, तो इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर स्पान अगर मैं लूं, ये सबसेट का, ये T का नहीं, लीनियर स्पान मैं लूं, तो क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे मेंबर जो है वो किसके अंदर चले जाएंगे, LT के अंदर चले जाएंगे। LT क्या है, T का वो लीनियर स्पान, LS क्या था, S का वो लीनियर स्पान हुआ करता था, T क्या है, लीनियर स्पान ऑफ LT क्या है, लीनियर स्पान ऑफ T। T के अंदर मेंबर्स कितने हैं, अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक, तो इसका अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन कर लेता हूं तो वो मुझे कहां पे मिलेगा, LT के अंदर मिलेगा। ओके, कुछ भी नहीं है, खाली ये लाइन थोड़ी डिफरेंट थी। अब ये a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2, an अल्फा n, इसको क्या बोला हुआ है आपने, आपने अल्फा कुछ बोला हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये कि अल्फा बिलोंग्स टू LT में चला जाएगा। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज अल्फा बिलोंग्स टू LT। आप लेके कहां से चले थे, आप यहां से लेके चले थे कि भैया अल्फा जो है वो LS का मेंबर है, आप पहुंच कहां पे गए कि अल्फा जो है वो LT का मेंबर बता दिया आपने, एंड देयरफॉर व्हाट यू कैन से इज LS इज अ सबसेट ऑफ LT। ओके, हेंस प्रूफ, ये वाला भी प्रूफ कर दिया। एनी डाउट्स, सो यू कैन आस्क, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं हो तो लिख लो, और हो जाए तो मुझे बोल दो। इसको खाली प्लीज लिखना मत, हो सके तो इसको समझना, कोई भी स्टेप अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू, यू कैन आस्क, और मैं उसको सॉल्व करने की ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कोशिश करूंगा। ओके, लेकिन पूछ लो, अभी का अभी पूछ लो, बाद में याद नहीं रहेगा। Done, sir. Okay. सर एक बार और समझा दीजिए ना। Okay. समझा देता हूँ मैं। और किसी को डाउट है? चलो तो पहले लिख लो, हो जाए तो मेरे को डन बोलो। डन सर। डन सर। ओके। डन सर। सो वापस से मैं समझा देता हूँ, प्लीज ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू इज एस इज द सबसेट ऑफ टी, देन इम्प्लाइज LS is a subset of LT. Okay? दोनों पार्ट सिमिलर ही है, कुछ भी अलग नहीं है, खाली एक स्टेटमेंट अलग आता है। ये आपको जो है that is given to you. And ये आपको क्या करना है, that is to prove. ये आपको प्रूव करना है। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप S के अंदर थोड़े एलिमेंट्स लेके चलोगे। S, S के अंदर क्या एलिमेंट्स लेके चलोगे कि अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा एन जो है वो S के अंदर है। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा एन जो है वो आप एस के अंदर बिलोंग्स, एस लिख दोगे। अगर ये एलिमेंट्स एस के अंदर है तो एस इज अ सबसेट ऑफ टी, मतलब एस के सारे एलिमेंट टी के अंदर भी होने चाहिए, मतलब अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा एन जो है वो टी के अंदर भी होगा। ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये पहली फिल्म, पहला पार्ट करके हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट में क्या है, अब हम लोग यहाँ से एक एलिमेंट ले रहे हैं, अल्फा में ले रहा हूं LS में से, लेकिन LS का मतलब क्या वो भी पता होना चाहिए। तो LS के अंदर कैसे एलिमेंट हो गए, तो ये L जो है S पे डिपेंड है, मतलब ये लीनियर स्पान ऑफ S है। S के अंदर अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन तक वेक्टर्स थे, तो LS में वो सबके सबका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू और ए एन अल्फा एन जैसे उसके कॉम्बिनेशन हो। ओके, और अल्फा अगर LS का एक मेंबर है तो अल्फा को भी आप किस तरह से लिख सकते हो, अल्फा कैन बी रिटन एज ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अल्फा आप LS की तरह लिख के गए, LS के अंदर कैसे मेंबर्स हो गया, ए वन यानी कॉम्बिनेशन वाले एलिमेंट्स हो गए। तो अगर अल्फा उसका एक मेंबर है तो अल्फा को भी आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन। ओके, नाउ अब ये जो पहली पिक्चर हम लोग ने छोड़ी थी वहां से हम लोग चालू करते हैं।
पहली पिक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा एन जो है वो किसके मेंबर है, टी के मेंबर है। और अगर वो टी के मेंबर है, जैसे कि एस एस अगर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन है तो एल एस कैसा होगा, तो ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू ए एन अल्फा एन जैसा होगा। उसी तरह से अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन टी के मेंबर है तो एल टी कैसा दिखाई देगा, तो एल टी भी उसी तरह से दिखाई देगा ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन जैसा दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन जो है वो कहाँ पे आ गया, एल टी के अंदर आ गया। अब ये जो है इसका नाम हम लोगों ने दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एल टी। अब अल्फा बिलोंग्स टू एल टी हो गया, आप अल्फा कहाँ पे लेके चले थे, एल एस में से लेके चले थे, आपको अल्फा क्या मिला, एल टी के अंदर मिला। एंड देयरफॉर व्हाट यू कैन से इज कि एल एस इज अ सबसेट ऑफ एल टी। अब क्लियर हुआ सबको, यस और नो, सबको पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। यस सर। क्लियर। ओके। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। अभी आपको जब मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा तो उसमें भी ये मेंशन होगा दो तीन बार। असाइनमेंट में मैं बेसिकली लास्ट ईयर के पेपर्स ही देने वाला हूँ। ओके, सो वो आपका एक रिविजन पार्ट भी हो जाएगा। नाउ द थर्ड पार्ट, नाउ द थर्ड प्रूफ। थर्ड प्रूफ क्या बोला हुआ है कि एस इज अ सबस्पेस, एस इज अ सबस्पेस of V, S is a subspace of V, then LS is equal to S, LS is equal to S। यहां पर देखिए subset नहीं बोला हुआ है, here there is, we have not given that it is a subset, we are given that they are equal, okay। तो अब पहले equal की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। set जब हम लोग बात करते हैं ना तो equal का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब पहले समझ लीजिए कि अगर आपके पास दो सेट है ए एंड बी, तो ए एंड बी को कब आप इक्वल बोल पाओगे, ए और बी को कब आप इक्वल बोल पाओगे। दो सेट है आपके पास, दो सेट यानी दो कलेक्शन है आपके पास, कब दोनों को इक्वल बोल पाओगे, तो जब ए जो है वो बी का सबसेट आप बता दो, ए जो है एक ए जो है वो बी का सबसेट बता दो और बी जो है वो ए का सबसेट बता दो, मतलब दोनों एक दूसरे के, दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर है, तब आप क्या बोल पाओगे कि a इक्वल टू b है। समझ में आ गया सबको कि a के एलिमेंट्स b के अंदर है और b के सारे एलिमेंट a के अंदर है, तब आप क्या बोल पाओगे, तब ये बोल पाओगे कि दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, देन एंड ओनली देन यू कैन से दैट a इक्वल टू b। ओके, तो ये आप तब कह पाओगे। नाउ आपको, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको जब बोलना है ls इज इक्वल टू s, क्या बोलना है आपको, ls इज इक्वल टू s, तब आपको क्या बताना पड़ेगा, तब आपको ये बताना पड़ेगा कि ls जो है वो सबसेट है s का और s जो है वो सबसेट है ls का, तब जाके आप बता पाओगे कि ls इज इक्वल टू s होगा। समझ में आ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बता के मैं क्या, तो ये कहीं पे लिख लू, ये कहीं पे लिख लो, जब भी दो सेट को आपको इक्वल बताना हो तो आपको क्या बताना पड़ेगा, एक दूसरे के अंदर सबसेट बताना पड़ेगा। तो जब आप प्रूव कर रहे हो कि ls is equal to s, so आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ls is a subset of s and s is a subset of ls, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये दो स्टेप का काम है, ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो ये दो स्टेप का आपके लिए काम हो जाएगा। ओके, लिख लीजिए, ये लिख लिया सबने, साइड में कहीं पे लिख लेना, मार्जिन में कहीं पे भी लिख लेना आप लोग। Yes, sir. जस्ट इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ इसका सॉल्यूशन हम लोग चालू करते हैं, प्रूफ चालू करते हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा, तो सबसे पहले हम लोग को दो चीज प्रूव करनी है कि ये है S is a subspace of V, then LS is equal to S, and if LS is equal to S, then S is a subspace of V. दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है, यानी अगर यहाँ पे इसका मतलब ये if and only if वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, if and only if. Okay, तो then की जगह पे अगर आप if and only if भी लिख दोगे तो भी ये ऐसा थियरम उनको पूछ सकते हैं। ओके, यानी दोनों बाजू से आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उल्टा वाला जल्दी प्रूव हो जाएगा, इसलिए मैं वहां से प्रूफ चालू कर रहा हूँ। Let, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ls is equal to s, ये लेके चल रहा हूँ, ये सपोज लेके चल रहा हूँ, मतलब ये मेरा गिवन पार्ट है और ये मेरे को टू प्रूफ करना है। ओके, सो इफ ls is equal to s, then we have to prove
that S is a subspace of V, then S is a subspace of V. ये आपको प्रूफ करना है. ओके, इफ एल एस इज इक्वल टू एस, देन एस इज अ सबस्पेस ऑफ वी, ये आपको प्रूफ करना है. ओके, सो हियर 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 वी नो दैट, वी नो दैट, हमको ये पता है कि एल एस जो है, एल एस इज अ लीनियर स्पैन, जो आप सबको पता है. लेकिन एल एस जो है वो क्या होता है, इट इज अ सबस्पेस, उसको हम लोग सबस्पेस भी बोलते हैं. एल एस इज अ सबस्पेस ऑफ वी, सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए. एल एस जो है वो क्या है, सबस्पेस है. अब यहाँ पे समझिए, गिवन क्या है आपको, एल एस क्या है, इज इक्वल टू एस. तो एल एस की जगह पे मैं एस लिख दूं चलेगा, तो एस क्या हो जाएगा, एस इज अ सबस्पेस ऑफ वी. ओके, तो ये छोटा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया. समझ में आया किस तरह से किया, एल एस जो होता है वो हमारा सबस्पेस होता है, और एल एस इक्वल टू एस आपको दिया हुआ है. तो एल एस की जगह पे जस्ट हम लोग क्या लिख लेंगे, एस लिख लेंगे, तो एस भी आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ सबस्पेस ऑफ वी. अब उल्टा लेके चलेंगे, अब उल्टा लेके चलेंगे, उल्टे में क्या लेके चलेंगे, अब ये आपको गिवन होगा, दिस विल बी गिवन टू यू, क्या एस इज अ सबस्पेस ऑफ वी. और आप प्रूव क्या करोगे, टू प्रूव दैट एल एस इज इक्वल टू एस, ये आप प्रूव करोगे. सो फॉर दैट व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू. ओके, सो यहाँ पे लिखिए कन्वर्स, कन्वर्स. अच्छा, फर्स्ट वाला पार्ट आपको प्रूव हो गया, समझ में आ गया सबको, फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट है. किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं वापस से एक्सप्लेन कर. लिखा नहीं है, लिखा नहीं है सर, लिखा नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी. ओके, सो पहले लिख लीजिए आप, कुछ डाउट है तो बोल दीजिए. लिख लीजिए जिनका बाकी है वो बोल दीजिए. Done, sir. Okay, good. किसी का बाकी है, students? Done, sir, done. Okay, so we have 3 minutes left to end the lecture. So we cannot complete the converse part. So we'll stay to it. ये third वाला आप लोग छोड़ देना. The two theorems that we have done today should be completed. Okay, it should be completed. आप एक बार उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना. It should be remembered today itself. आज के आज ही आपको वो कंप्लीट करना है, आज के आज ही उसको प्रूव कर देना है. ओके, सो दैट इज द वर्क फॉर इट. आज के लिए इतना काम हम लोग रखते हैं. कल लेक्चर में ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कम्प्लीट कर लें. थर्ड वाला थोड़ा बड़ा है, फोर्थ एंड फिफ्थ तो बहुत ईजी है. ओके, लेकिन ये दो जो आगे के चल रहा है हम लोगों ने, वो कई बार यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स में पूछे गए हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आज टुडे इटसेल्फ आपको वो लोग कंप्लीट कर लोगे, बार बार लिख के याद कर लोगे. और फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो प्लीज कल लेक्चर चालू होने से पहले एक बार मुझे पूछ लेना. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और कल हम लोग सेम टाइम पे ये लेक्चर शुरू कर देंगे. ठीक है.